कल्पना नहीं करी थी कि इस विषय पर भी आज मुझे आकर अपनी बात कहनी है। आज का विषय है स्पीक अप फॉर सेव लाइफ। अब आप सोचिए, हमारा देश हिंदुस्तान जो अपना लोहा पूरे विश्व में मना चुका है, लेकिन आज ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहां हमें अपनों की जान बचाने के लिए आवाज उठानी पड़ रही है, क्योंकि केंद्र की बहरी गूंगी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। आज कोरोना जैसी त्रासदी और कोरोना जैसे दौर से हम सब गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत भयानक स्थिति है और लगातार हम अपनों को खोने का सिलसिला जारी है। और आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले स्पीक अप फॉर सेव लाइफ के तहत आज मैं बात कहने के लिए आया। आज ही का न्यूज़पेपर जब मैंने खोला तो मैंने देखा कि मरने के बाद किस तरीके से जो कोरोना से लोग मरे हैं उनकी बॉडी पटना में, जो कि बिहार का राजधानी है, डबल इंजन की जहां सरकार है, वहां पर नदी नाले पे बह रही थी। आज ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, वैक्सीनेशन की कमी है। और मुझे लगता है कि कोरोना तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, अगर आज लोग मर रहे हैं ना, तो वो हमारे देश में उन कोरोना जो ग्रसित है उसका सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उस कारण मर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसका जिम्मेदार कौन है? ये विषय आज बहुत गंभीर विषय है। मैं युवा हूँ और युवा कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और आज युवा कांग्रेस मैं समझता हूँ कि श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और ट्विटर को एम्बुलेंस बनाकर आज काम किया जा रहा है कि बड़े बड़े लोग भी श्रीनिवास बीवी को ट्विटर में मदद मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने संस्कारों के साथ, कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ काम कर रही है। आज जमीनी स्तर पर अगर कोई काम कर रहा है तो वो केवल कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता दिख रहा है। हमारी मोदी सरकार, जिसको बहुत विश्वास के साथ हमने वहां पर बैठाया था, वो आज कुंभकर्ण की नींद सोई है। हमें जगाना बहुत आवश्यकता है कि हम मोदी सरकार को जगाएं और बताएं कि आज देश की हालत बहुत गंभीर है। इन्हीं भावनाओं के साथ, स्पीक अप फॉर सेव लाइफ के साथ साथ, वेक अप मोदी जी, मैं कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।